हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो जो जितनी थी अपनी, लगभग 7-8 वीडियो थी अपनी, जितनी मोटरें थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे या कुछ अगर एक्स्ट्रा मटेरियल होगा तो किसी ना किसी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको उसके अंदर क्या है पीडीएफ जो है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो। ठीक है, तो बात अपने जो आज करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना चैप्टर है जिसका नाम है 3-फेज सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि अपनी सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटरें सिंगल फेज में आ चुकी हैं, तो उन्हीं के साथ साथ सिंगल फेज के अलावा 3-फेज सिंक्रोनस मोटर आज पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई अगला चैप्टर देखेंगे। तो हो सकता है 2 या 3 क्लास में सिंक्रोनस मोटर अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से इस चीज को समझना कैसे क्या होगा। देखो, सिंक्रोनस मोटर कह लो या तुल्यकालिक मोटर कह लो, एक ही बात है। तो सिंक्रोनस और तुल्यकालिक एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको मैं 3 वर्ड बताता हूं, तीनों वर्डों को समझना। सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनिज्म, ये अलग अलग चीजें हैं, तो इनको मैं अलग अलग आपको बता दूंगा क्या क्या होता है। तो बात करते हैं अपने सिंक्रोनस मोटर की। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, जो आपके मेन पॉइंट जो आपको लिखा रहा हूं, वहीं से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कई बार। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सुन लो कि ये भी सिंगल फेज मोटर की तरह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये भी सिंक्रोनस सिंगल फेज मोटर की तरह सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसके स्टेटर को 3-फेज एसी सप्लाई दी जाती है, रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है, स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, स्लिप का मान 0 होता है। अब कुछ बच्चे तो यही रुक गए होंगे इस जगह पे, क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिख दिया मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो ज्यादातर अगर अपने देखे तो सिंगल फेज मोटर की अगर मैंने यहां बात की थी तो सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज मोटर में जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है नहीं होता, रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नहीं होता, क्योंकि सिंगल फेज में हमेशा प्रतिवर्ती प्रकार का फ्लक्स बनता है। तो अपने क्या करते थे, उसमें फेज डिफरेंस पैदा करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते थे, तो वो सेल्फ स्टार्ट होती थी। पर यहां तो मैंने ये लिख दिया कि उसका जो स्टेटर है या जो उसका स्थिर भाग जो स्टेटर है उसमें मैंने 3-फेज एसी सप्लाई दे दी, तो कुछ तो दिमाग में आया कि 3-फेज से तो क्या होगा। देखो, अगर पूछूं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करोगे, कम से कम 2-फेज की आ सकता है, सिंपल सी बात है। पर मैंने यहां पर 3-फेज दे दिए, कितने 3-फेज दे दिए, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, ये चीज गलत नहीं है, पहले ये याद रखना, कारण इनका जरूर बताऊंगा, पर ये चीज जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपके कई बार होते हैं, बहुत बार मैंने देखा है जो क्वेश्चन होता है कंपटीशन एग्जाम में इन मेन पॉइंट से उठा लिया जाता है, तो याद रखना। सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, स्टार्टिंग स्टेटर में 3-फेज की सप्लाई, रोटर में डीसी सप्लाई, और स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, स्लिप इसकी 0 होती है, स्पीड इसकी बिल्कुल स्थिर होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, और इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये 6 पॉइंट जो आपके हो गए, 7 पॉइंट, इन 7 पॉइंट को याद रखना। सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, स्टेटर में 3-फेज सप्लाई एसी, रोटर में डीसी सप्लाई, स्टार्टिंग टॉर्क 0, स्लिप इसकी 0, और स्पीड इसकी कांस्टेंट या स्थिर रहती है, विरामक रहती है, और अपना क्या है लो स्पीड कंट्रोलिंग, इसकी गति नियंत्रण नहीं होती। क्लियर है यहां तक, ये 7 चीजें नोट कर लेना। अब बात करते हैं इस मोटर के आगे विस्तार की। तो जो आपका मूल मंत्र था वो तो मैंने आपको दे दिया, तो वीडियो बंद मत कर देना कि मूल मंत्र आगे बात खत्म, वीडियो पूरी देखा करो, बाकी आपकी इच्छा है। तो देखो, कोई भी मोटर है उसके 2 भाग तो मुख्य होते हैं, कौन कौन से, स्टेटर और रोटर। क्या हुआ, स्टेटर और रोटर।
स्टेटर की अगर बात करूं तो स्टेटर पे मैंने अभी बोला थ्री फेज एसी सप्लाई देनी है, थ्री फेज एसी सप्लाई देनी है। अगर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूं तो क्या देना है, थ्री फेज एसी सप्लाई देनी है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका स्टेटर आपका अल्टरनेटर होता है ना, अल्टरनेटर या अपने कह लो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इन सब का क्या होता है, समान होता है। याद रखना, थ्री फेज जो अपने इंडक्शन मोटर होती है या अपना अल्टरनेटर होता है उनका जो स्टेटर होता है वो सेम समान ही होता है सिंक्रोनस मोटर में। वही सिलिकॉन स्टील का बना होता है, वही खांचे, सब आप समझ गए होंगे। वही थ्री फेज की 120 डिग्री पे वाइंडिंग, थ्री फेज की 120 डिग्री पे वाइंडिंग होगी। यहां तक क्लियर है? अब अल्टरनेटर लिख दिया तो एक बात याद रखना, जब किसी अल्टरनेटर को रोटेट करवाया जाए तो सिंक्रोनस मोटर की भांति रोटेट करेगा। अगर किसी सिंक्रोनस मोटर को प्राइमर द्वारा घुमाया जाए तो वो अल्टरनेटर की भांति काम करेगा। तो याद रखना, कभी भी थ्री फेज इंडक्शन को अगर रोटेट करवाया जाए प्राइमर द्वारा तो वो इंडक्शन जनरेटर की भांति कार्य करेगा। अल्टरनेटर और इंडक्शन जनरेटर में बहुत अंतर है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं रोटर। तो मुख्य रूप से अगर मैं सीधा कहूं तो रोटर आपका जो होता है वायर वाउंड होता है। क्या होता है? वायर वाउंड। पर कई जगह आपको ऑप्शन में वायर वाउंड ना दिया हो तो आपको सैलिएंट टाइप करना है। सैलिएंट टाइप और वायर वाउंड को बोलते हैं तार कुंडलित। वायर वाउंड को तार कुंडलित प्रकार बोलते हैं और सैलिएंट को समुंथन ध्रुव प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटर हो गया, रोटर हो गया। आपके रोटर पे दो क्या होंगी, स्लिपरिंग। दो क्या होंगी, स्लिपरिंग, जिसे बोलते हैं सर्पी वल्ले, जो किसकी बनी हुई, कॉपर या फास्फोरस ब्रॉन्ज। पहला ऑप्शन आपका कॉपर ही होना चाहिए। तो दो उस पे स्लिपरिंग लगी होंगी, किस पे, आपके रोटर पे। अब क्यों लगाई जी, क्योंकि मैंने ये बात पहले बता दी कि आप रोटर को क्या दोगे, डीसी सप्लाई दोगे। तो डीसी सप्लाई देने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा स्लिपरिंग। तो दिमाग में ये मत रखना कि स्लिपरिंग हमेशा एसी देती है, नहीं, स्लिपरिंग ना एसी देती है ना डीसी देती है, उसको जो दो वही देती है। वो एक सिर्फ और सिर्फ संयोजक या कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है। किसी रोटेटिंग पार्ट पर अगर आप कोई तार लगाओगे तो वो तो साथ लिपट जाएगी। तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हो, जो काम कौन करवाएगी, स्लिपरिंग। समझ गए, दो स्लिपरिंग लगानी है प्लस और माइनस यानी डीसी के लिए। यहां तक कर ही रहे हैं। अब मोस्ट आपको जो समझना है वो क्या समझना है, जिसको अगर जल्दी लगती हो तो वो पीछे बैक करके या स्पीड स्लो करके देख लिया करो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये समझना है कि स्टेटर पर थ्री फेज की सप्लाई देके भी सेल्फ स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया फिर भी क्या हुआ, सेल्फ स्टार्ट नहीं हुई। तो मैं आपको एक बात बता दूं, स्टेटर में मैंने जो थ्री फेज की सप्लाई दिया वो क्या है, एसी। क्या है, एसी। मान लो मैंने चार पोल बना दिए, यहां पर जो सप्लाई दिया वो एसी। एसी का मतलब प्रवृत्ति, उसके पोल क्या होंगे, एक सेकंड में 50 बार बदलेंगे। अगर अब यहां एन है ना, थोड़ी देर बाद एस होगा, फिर एन होगा, फिर एस होगा, यानी कि आप ये कह सकते हो स्टेटर के पोल तो स्थिर नहीं है, स्टेटर के पोल स्थिर नहीं है। पर मैंने इसका जो रोटर था इस तरीके समझना रोटर को, जो इसका रोटर था उस रोटर को मैंने क्या दे दी, डीसी सप्लाई दे दी। अब यहां पर मैंने दे दी डीसी सप्लाई। जब रोटर को मैंने डीसी सप्लाई दी, डीसी सप्लाई देते ही रोटर पे तो फिक्स पोल बन गए, रोटर पे फिक्स पोल बन गए। अब क्या होगा कि एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन समझना क्या होती है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा लिया मैंने थ्री फेज देके, रोटर को मैंने डीसी दे दी। अब रोटर को डीसी दे दी और यहां एसी दे दी, जब थ्री फेज एसी दे दी तो यह रोटर पर क्या है, घूमना चाहिए। पर रोटर क्या है आपका, नहीं घूमता, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसका कारण क्या है कि मान लो यहां एन बन गया, यहां एस बन गया। अगर मान लो ये एन ये एस, अब देखो स्टेटर के पोल तो मैंने माने हैं, एक कंडीशन ऐसी आ गई, मान लो यहां अगर एन पोल है तो क्या होगा, एक कंडीशन। क्यों? क्योंकि स्टेटर के पोल अपने अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो एक बात बताऊं, ये मोटर हमेशा पोलों की दिशा पे घूमते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये याद रखना, एसी जब भी देते हैं तो प्रवर्ती पोल बढ़ते हैं, और पोल जैसे जैसे बदलते हैं ना, उन पोलों के बदलने की गति ही अपने सिंक्रोनस गति ही कहलाती है, कि पोल किस तरीके से बदल रहे हैं, यहाँ एन एस एन एस कैसे कैसे बदल रहे हैं। तो एक सेकंड में 50 बार बदलते हैं। तो अपने मान लिया कि यहाँ एन है, यहाँ एस है। अब देखना, मैंने रोटर का पोल तो मान लिया, यहाँ एन फिक्स है, तो क्या होगा, जैसे सप्लाई दूंगा यहां फिक्स पोल बन गए, एसी में पहले पोल दे रखे हैं। मान लो एक किसी तात्क्षणिक मान यानी किसी क्षण यहां एन आया, इसने इसको क्या किया,
फोर्स किया, फोर्स करया और इसने इसको आकर्षित किया। आकर्षित करते ही जैसे ही ये जो आपका पोल था ये जैसे ही यहां पहुंचा उसी क्षण क्या हो जाएगा, यहां अगर एस था तो एन हो जाएगा, यहां एन था यहां एस हो जाएगा, यानी कि उसी क्षण मान लो यहां एस था एन हो जाएगा और यहां एन था एस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये फिर इसको प्रतिकर्षण करेगा, ये आकर्षण करेगा। तो कहने का मतलब रोटर की कोई गलती नहीं है, रोटर की कोई गलती नहीं है, गलती है इसमें फिक्स पोल बनाने वाले की। पहली बात तो ये, क्योंकि फिक्स पोल बनने के कारण रोटर ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, यानी कि यहां से एक पिच से एक पोल से दूसरे पोल के दूरी को अपने पोल पिच कहते हैं, ये तो एक पोल पिच भी दूरी नहीं पूरी कर पा रहा। क्यों नहीं पूरी कर पा रहा, क्योंकि कभी आकर्षण होता कभी प्रतिकर्षण, और उसका सबसे बड़ा कारण यहां पर जो पोल है वो प्रत्यावर्ती है, फिक्स पोल होते समान में इंटरलॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग होके चलता रहता। पर यहां तो कुछ कहानी और है, अगर ये यहां आ रहा है पहले तो यहां प्रतिक्षण क्या होता है, पोल बदल जा रहा है, ये फिर बैक हो जा रहा है। तो ये कंडीशन ऐसी है जिसके कारण मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, अपने ये कह सकते हैं प्रवर्ती पोल है, प्रवर्ती पोल है जिसके कारण आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है और मोटर आपका क्या है रोटेटिंग नहीं हो पा रहा। या फिर अपने कह सकते हैं कि जैसे ही अपना एक पोल पिच की दूरी पूर्ण करने वाला होता है ना रोटर का पोल, वो पोल पूर्ण करने से पहले ही होता है, पोल बदल जाता है वो फिर पीछे चला जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है, इसको याद रखना। तो अब अपने क्या करते हैं, या सब समझते हैं, नाम मैंने रखा सिंक्रोनस मोटर, यानी कि मोटर सिंक्रोनस गति पे चलेगी। तो चलता कौन है मोटर में, अपना चलने वाला भाग कौन सा है, रोटर, यानी कि आपकी कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए तभी यह सिंक्रोनस मोटर है, आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए तभी एक सिंक्रोनस मोटर है। अब ये कंडीशन कब लाएंगे जी, अब अपने ये रोटर है, मान लो ये स्टेटर यहां घूम रहा है एन एस, पर अपना रोटर तो हमेशा क्या होता है पीछे होता है, रोटर हमेशा पीछे होता है और स्टेटर यानी कि सिंक्रोनस स्पीड आगे होती है। इन दोनों एन एस और एन आर के अनुपात को, या एन एस और एन आर के अंतर को, एन एस और एन आर के अंतर को आप क्या बोलते हो, स्लिप, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है, पर मैंने यहां एक लाइन लिखी थी कि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप नहीं होती, क्योंकि इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब मान कैसे बराबर आएगा, क्या होगा वो समझना, क्या होगा अपने इसको करेंगे सेल्फ स्टार्ट, क्या करेंगे सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट बनाने की अलग कंडीशन है, पर सेल्फ स्टार्ट करते क्यों है वो समझना। देखो यहां चार पोल बने थे, यहां का जो पोल था वो जैसे ही यहां आ रहा था यहां का पोल बदल जा रहा था, तो ये वापस इधर हो जा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पोल को किसी कारणवश यहां लाकर छोड़ देता, अगर मैं इस एस वाले पोल को यहां लाकर छोड़ देता एस को, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेता, ये इसको आकर्षित कर लेता, यानी यहां जाता। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर समान पोल आपस में सामने आ जाएंगे ना, बस इसको समान पोलों पे लाना है, रोटर और स्टेटर के जैसे समान पोल आपस में आएंगे आते क्या हो जाएगी लॉकिंग, क्या हो जाएगी लॉकिंग या चुंबकीय ताला हो जाएगा, जिसके कारण एक पोल यानी स्टेटर का पोल रोटर के पोल के अंदर सामने आते क्या हो जाएगा, एक लॉकिंग हो जाएगी। लॉकिंग होने के बाद जो चीज पीछे चल रही थी, ये रोटर था स्टेटर ये पीछे चल रहा था, ये क्या हो जाएगा लॉकिंग के साथ बराबर चलना शुरू हो जाएगा। जब बराबर चलना शुरू हो जाएगा यानी कि आपके रोटर की स्पीड और आपके स्टेटर की स्पीड बराबर हो जाएगी, और उस कंडीशन में अपने कह सकते हैं कि स्लिप जीरो हो जाएगी, स्लिप क्या हो जाएगी जीरो। अब क्या होगा कि बराबर लाने के लिए मुझे, मान लो मेरी चार पोल की क्या है मोटर है, सिंक्रोनस मोटर जो अपनी है वो चार पोल की है, यानी कि 1500 RPM की होगी। अब 1500 RPM की मोटर को पहले अगर मुझे सेल्फ स्टार्ट करना है तो मेरे रोटर को मुझे 1500 RPM पर लाना होगा, यानी कि रोटर और स्टेटर बराबर चलने चाहिए। रोटर और स्टेटर जब बराबर होंगे यानी कि सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड जब बराबर होगी तभी जाके लॉकिंग होगी, समान पोल होंगे और तभी क्या होगा स्लिप का मान जीरो होगा, यानी कि दोनों एक ही गति में और एक ही दिशा में घूर्णन करेंगे। तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार समान पोल पे लाना पड़ेगा, यानी कि समान गति पे लाना पड़ेगा एक बार, यानी कि चार पोलों की मोटर है तो मुझे 1500 RPM पर पहले रोटर को घुमाना पड़ेगा, जैसे ही घुमाऊंगा दोनों स्पीड बराबर आते ही लॉकिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि अपने इसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं, तो सेल्फ स्टार्ट कैसे किया जाए,
मोटर को स्वचालित यानी कि सेल्फ स्टार्ट करने की जो विधियां हैं वो दो हैं। एक तो आप प्राइम मूवर द्वारा क्या कर सकते हो, प्राइम मूवर द्वारा यांत्रिक शक्ति देके, प्राइम मूवर द्वारा यांत्रिक शक्ति देके यानी कि सिंक्रोनस मोटर को किसी अदर एक मोटर से या प्राइम मूवर से क्या करोगे, कपलिंग करोगे, युग्मक करोगे। जब युग्मक आप करोगे तो आपके रोटर को कौन घुमा रहा है, प्राइमर घुमा रहा है। प्राइमर उसको जब घुमाएगा घुमाएगा, जैसे ही उसकी सिंक्रोनस गति पर उसको लाएगा, सिंक्रोनस गति पर लाते ही वो पोलो में लोकअप होके वो अपने साथ हो जाएगा और आप प्राइमर को हटा लोगे। तो पहली तो ये, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपकी यांत्रिक है ना, यांत्रिक में आप दो प्रकार की मोटर का उपयोग कर सकते हो। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, या तो आप मान लो एसी मोटर का उपयोग करोगे या डीसी मोटर का उपयोग करोगे। जो एसी मोटर होगी ना वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होनी चाहिए, पहली बात। अब एक और बात याद रखना, मान लो मैं चार पोल की मोटर को, चार पोल की सिंक्रोनस मोटर को अगर मैं घुमा रहा हूं ना, तो मेरे जो इंडक्शन मोटर में जो प्राइम मूवर के लिए ले रहा हूं ना, उसके पोल हमेशा एक जोड़ा कम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, वन मल्टीपल डाउन, एक जोड़ा कम होने चाहिए। यानी कि यहां चार है तो यहां दो होने चाहिए। इसका कारण देखो, चार पोल पे मेरी मोटर सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, सिंक्रोनस मोटर की 1500। अब मान लो मैं चार पे ही क्या ले आऊंगा, इंडक्शन मोटर, तो उसकी सिंक्रोनस तो 15 होगी, सिंक्रोनस तो 15 होगी, पर 2-5% स्लिप होने के कारण मेरी स्पीड 1475 मान लो या 1470 तक रह जाएगी। तो जब इतनी कम स्पीड रह जाएगी तो वो तो फिर वैसे ही मिल रही थी, अपने को तो पूरी 1500 चाहिए। तो ये इंडक्शन मोटर तो कभी सिंक्रोनस पर आने नहीं वाली। तो आप क्या करोगे, दो पोल लोगे, दो पोल होते ही मोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3000, और ये 3000 आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। पर रोटर आपका मान लो अगर 2-5% करके अगर 2800 पर भी चल रहा है ना, पर 1500 से ऊपर होगी ना, 2800 पर भी चल रहा है तो 1500 से तो ऊपर घुमाएंगे ना ये उसके रोटर को, किसके, सिंक्रोनस मोटर के। अब क्या बेनिफिट है वो समझना। और अगर डीसी मोटर उपयोग करोगे तो आपकी शंट या कंपाउंड मोटर होनी चाहिए, शंट या कंपाउंड, क्योंकि सीरीज मोटर की तो गति बहुत ज्यादा होती है। तो अब बात करते हैं, एक तो यांत्रिक यानी के थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब यूज करोगे ना तो इसको कहलाएगी ये पोनी मोटर। आपने आईटी की किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा या बहुत बार कहीं और पढ़ा होगा, इसे बोलेंगे पोनी मोटर। पोनी मोटर मेथड होता है ये, जिसके कारण आप क्या करते हो, उसके रोटर को एक बार घुमा के जब उसकी सिंक्रोनस स्पीड आ जाती है तो हटा लेते हो, क्लियर है। अब बात करते हैं एक मेथड और है, वो है डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग कह लो या आवमंदन लपेटन कह लो, आवमंदन लपेटन कह लो। अब आवमंदन लपेटन कैसे स्टार्ट करेगी, ये कैसे स्टार्ट करेंगे वो समझना, लिखूंगा नहीं समझा दूंगा आपको, दिमाग में रखना। थ्री फेज मोटर को आप मान लो ये मेरी सिंक्रोनस मोटर का शाफ्ट है और शाफ्ट के साथ मैंने कपलिंग कर दी, इन दोनों में से किसी भी मोटर की कपलिंग कर दी मान लो, ठीक है। और याद रखना हमेशा स्पीड क्या होनी चाहिए, मान लो चार पोल की मोटर है तो 1500 पर घूमेगी, कौन सी मेरी सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस गति से उच्च गति की मोटर होनी चाहिए या फिर सिंक्रोनस गति के बराबर घूमने वाली होनी चाहिए, कौन, प्राइम मूवर। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं कभी, एक बात याद रखना, जब मैं प्राइम मूवर जोड़ूंगा, जब मैं प्राइम मूवर जोड़ूंगा तो रोटर से डीसी हटा लूंगा, रोटर को डीसी तब तक नहीं दूंगा जब तक मेरी प्राइम मूवर उसे उसी सिंक्रोनस गति पे नहीं ले जाता। जब मान लो चार पोल की मोटर को मेरी प्राइम मूवर, जब चार पोल की सिंक्रोनस मोटर को मेरा प्राइम मूवर 1500 आरपीएम से ऊपर ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा, किसी क्लच मैकेनिज्म द्वारा या गियर सिस्टम द्वारा क्या करूंगा, उसको हटा लूंगा, मतलब प्राइम मूवर को हटा लूंगा और मेरी डीसी ऑन कर दूंगा। प्राइम मूवर को हटा लूंगा, डीसी ऑन कर दूंगा, ऑन करते फिक्स पोल बनेंगे, वो फिक्स पोल मेरे प्रत्यावर्ती पोलों के साथ लॉकिंग करेंगे और लॉकिंग करने के बाद मेरा रोटर और स्टेटर की गति समान हो जाएगी, स्लिप जीरो हो जाएगी, क्लियर है। यानी कि अपने आप तो रोटर पहुंचेगा नहीं, अपने आप वो पहुंचेगा नहीं मतलब उस स्पीड पे, तो मतलब सेल्फ स्टार्ट तो नहीं हुआ, सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो था, क्लियर है। अब बात करते हैं इस डैम्पर वाइंडिंग की, तो डैम्पर वाइंडिंग कैसे काम करेगी, तो ये याद रखना सप्लाई तब तक ऑन नहीं करनी जब तक आपका प्राइमर हट नहीं जाता। तो डैम्पर की बात करें तो डैम्पर क्या होती है, आपका जो रोटर होता है ना उस पर केज वाइंडिंग की जाती है, क्या की जाती है, केज वाइंडिंग।
केज वाइंडिंग का मतलब एल्यूमिनियम या कॉपर की छड़े डाल दी जाती है जो कहलाती है डैम्पर वाइंडिंग, अतिरिक्त वाइंडिंग की जाती है। उसकी दो अवस्थाएं होती है, एक एक्टिव रीजन होता है, एक होता है यानी कि अपने कह सकते हैं कि एक एक्टिव जहां सक्रिय होगी और एक होगा असक्रिय। ये दो अवस्थाओं में काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय। सक्रिय का मतलब ये होगा कि जब अपने क्या कहेंगे मोटर को थ्री फेज इंडक्शन की सप्लाई देंगे, करते ही जब सप्लाई देंगे थ्री फेज की तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था, उसके अंदर क्या है मेरी डैम्पर वाइंडिंग सक्रिय हो जाएगी। डैम्पर वाइंडिंग सक्रिय हो जाएगी तो क्या होगा, उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो था ही, तो क्या होगा रोटर जब शॉर्ट सर्किट है यानी कि डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी, इसके अंदर क्या होगा एक ईएमएफ जनरेट होगी जिसके कारण करंट, और करंट के कारण एक फ्लक्स जनरेट होगा जिससे एक बल लगेगा। बल लगेगा यानी कि थ्री फेज इंडक्शन के भांति मेरी मोटर क्या होगी स्टार्ट होगी। मोटर जब स्टार्ट हो जाएगी तो जब अपनी स्पीड पे पहुंच जाएगी 1500 से ऊपर तो वही सेम लोकअप हो जाएगा। लोकअप होते ही मेरी जो मोटर है वो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड पर घूमना स्टार्ट हो जाएगी। तो डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या था, एक्टिव होकर इंडक्शन मोटर की भांति मेरी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करके उसकी सिंक्रोनस स्पीड तक लाना, ये काम था डैम्पर वाइंडिंग का। जब उसकी सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाएंगी तो डैम्पर वाइंडिंग मेरी जो एक्टिव थी वो रिएक्टिव यानी कि वो क्या हो जाएगी असक्रिय हो जाएगी। क्या हो जाएगी असक्रिय हो जाएगी, यानी कि असक्रिय का मतलब ये हो गया कि वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि अब काम जो करेगी वो आपके डीसी के फिक्स पोल और उसके परिवर्तित पोल काम करेंगे। अब पैसिव होने के बाद क्या होगा, ये फिर से एक्टिव कब होगी। डैम्पर वाइंडिंग का एक और काम याद रखना, यही क्लियर कर देता हूं, डैम्पर वाइंडिंग का काम होता है हंटिंग लॉस को दूर करना। हंटिंग लॉस का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आपकी मोटर पर लोड बढ़ जाएगा ना, लोड बढ़ेगा तो कभी भी इस मोटर की स्पीड कम नहीं होगी, सीधी बंद ही होगी। स्पीड सीधी उसकी मतलब मोटर रुक जाएगी पर स्पीड कम नहीं होगी, पहली बात, क्योंकि ये स्थिर स्पीड पर काम करती है। जब क्या होगा फुल लोड का 10 से 15 तक लोड बढ़ेगा ना तब तक सहन करती है, उसके बाद क्या होगा ये अपना सिंक्रोनिज्म खोना स्टार्ट कर देगा यानी कि रोटर मेरा थोड़ा सा पीछे होना स्टार्ट कर देगा सिंक्रोनस से। तो क्या होगा उसमें एक कंपन पैदा होगी, क्या होगी कंपन पैदा होगी किसमें मेरे रोटर में। देखो यार अपने मैरिज वगैरह पे जब जनरेटर लाते हैं तो आप जब जनरेटर पे लोड बढ़ाते हो तो क्या होता है जनरेटर दबना स्टार्ट हो जाता है, अपने कहते हैं ना जनरेटर दब गया, तो जनरेटर दबता नहीं है, फोर्सड नहीं होता, वो दबता जनरेटर का रोटर है, यानी कि रोटर पे लोड बढ़ गया, रोटर अधिक से अधिक फ्लक्स काटने की जरूरत करता है, वहां पे अधिक से अधिक फ्लक्स जब काटने की कोशिश करता है तो वो वाइब्रेशन करता है, जनरेटर की बात कर रहा हूं। तो जब यहां ज्यादा लोड बढ़ जाता है तो ये भी क्या होता है कंपन करता है, या अपने कह सकते हैं ओसिलेशन करता है, या अपने कह सकते हैं दोलन करता है। क्या करता है दोलन करता है, यानी कि क्या करेगा या तो ओसिलेशन करेगा या दोलन करेगा। जब ओसिलेशन या दोलन या वाइब्रेशन करेगा, ओसिलेशन का मतलब होता है आगे पीछे झूलना, तो जब ये कंडीशन आ जाएगी ना तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका NR कुछ ना कुछ तो पीछे हो गया NS से, यानी कि जब NR NS से कुछ पीछे हो जाएगा यानी कि NS और NR अंतर आ गया यानी कि स्लिप आ गई यानी कि इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करने लगी। जैसे इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करने लगेगी आपकी डैम्पर वाइंडिंग फिर एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होते ही एक रोटर को अलग बल प्रदान करेगी जो उसको वापस उसी NS की स्पीड में लाने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब ये है डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो हंटिंग लॉस को दूर करने के लिए की जाती है। हंटिंग लॉस का मतलब हो गया जनरेटर में भी हंटिंग लॉस होता है, वहां भी डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। तो हंटिंग लॉस से क्या होगा वाइब्रेशन होगी और आपका झूलेगा, क्या होगा आगे पीछे झूलन करेगा, ओसिलेशन करेगा रोटर, जिसको पूर्ण करने के लिए आपकी डैम्पर वाइंडिंग फिर से एक्टिव हो जाएगी और वापस उसे उस गति पर लाने की कोशिश करेगी, एक टॉर्क प्रदान करेगी। तो ये आपका डैम्पर वाइंडिंग का कहानी खत्म होगी कि डैम्पर वाइंडिंग के दो काम, एक तो सेल्फ स्टार्ट करने का काम करेगी और दूसरा आपका काम क्या करेगी हंटिंग लॉस को दूर करने का। यहां तक समझ आ गया डैम्पर वाइंडिंग एक केज वाइंडिंग ही होती है जो एल्यूमिनियम और कॉपर की छड़े डाल के की जाती है। ठीक है, अब अपनी जो एक्साइटेशन की विधियां हैं या जो वक्र है अपने वो अपने करेंगे, यानी कि अपनी एक्साइटेशन की तीन होती है अंडर ओवर और क्या होती है लेवल, अंडर ओवर और लेवल, यानी कि इन तीनों कंडीशन में अलग अलग बैक ईएमएफ, अलग अलग करंट और अलग अलग पावर फैक्टर होता है, और कौन सी कंडीशन में मोटर पावर फैक्टर सुधारने के काम में आएगी, कौन सी कंडीशन में क्या होगा कि अपनी मोटर एक मैकेनिकल पावर के लिए काम आएगी, तो ये जो चीजें हैं ये अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया करो यार, लॉकडाउन है वैसे ही फ्री हो। ठीक है, तो पढ़ो, वैकेंसी यूपीआर मेरिट वगैरह बहुत आने वाली है आगामी समय में, क्योंकि अभी का जो समय ये कोरोना के कारण क्या हो रहा है
ठप हो रहा है एक तरीके से, इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा। तो जब नया अपना विकासन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जहां विकासन की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट को निकालनी पड़ेगी। अभी नहीं, कुछ समय बाद ही सही, पर अपनी तैयारी रखो ताकि आने वाले समय में आप अपने सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी पालो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना लगभग लगभग एक ही लेक्चर और होगा, उस लेक्चर में अपनी सिंक्रोनस मोटर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।